दोस्तों, एज एक्सपेक्टेड द केरला स्टोरी पर कोहराम मचा हुआ है। 5 मई को फिल्म रिलीज होने वाली है, लेकिन कंट्रोवर्सी जो है वो बढ़ती ही चली जा रही है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, द केरला स्टोरी फोकस करती है केरला में आइसिस नेटवर्क पर, किस तरीके से आइसिस के जो लोग हैं, जो उनके मेंबर्स हैं, वो हिंदू और धर्मों की लड़कियों को टारगेट करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, कन्वर्ट करते हैं और फाइनली ट्रैफिक कर देते हैं सीरिया, यमन जैसी कंट्रीज में। फटाफट मैं आपको बताता हूं बड़ी कंट्रोवर्सीज फिलहाल क्या चल रही हैं द केरला स्टोरी पर। पहली कंट्रोवर्सी जो कि लेटेस्ट न्यूज भी है, सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका डिसमिस कर दी है जो कि द केरला स्टोरी को रिलीज होने से रोकने के लिए थी। इस याचिका में सीनियर एडवोकेट्स कपिल सिब्बल और निजाम पाशा ने कहा कि द केरला स्टोरी इज अ वर्स्ट काइंड ऑफ हेट स्पीच, इट इज अ कंप्लीटली ऑडियो विजुअल प्रोपेगेंडा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा द केरला स्टोरी को सीबीएफसी ने सर्टिफिकेट देकर रिलीज करने की परमिशन दी है। अगर किसी को भी प्रॉब्लम है तो वो इसके सर्टिफिकेशन पर एतराज जताए और सबसे पहले हाई कोर्ट में जाए, एप्रोप्रिएट फोरम्स के थ्रू अपने प्रोटेस्ट को रजिस्टर करें। दूसरी कंट्रोवर्सी है फिल्म के दावे पर और 1,21,00,000 के इनाम पर। फिल्म का जब टीजर आया था उसमें कहा गया था कि 32,000 लड़कियां केरला से गायब हैं और इन देशों में फंसी हुई हैं। लेकिन अब मुस्लिम यूथ लीग की केरला स्टेट कमेटी ने चैलेंज किया है इस दावे को। उन्होंने कहा है कि किसी के पास भी अगर एविडेंस है तो वो इसको सबमिट करे और बदले में वो 1,00,00,000 का इनाम उसको देंगे। बकायदा एविडेंस सबमिट करने के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में कलेक्शन सेंटर्स भी खोले जाएंगे। इनके अलावा 2 इंडिविजुअल्स ने भी 2 अलग-अलग इनाम रख दिए हैं, 1 10,00,000 का है और 1 11,00,000 का है। सबूत दीजिए और इनाम पाइए। तो अगर आपको अपनी जिंदगी भर की गरीबी मिटानी है तो फटाफट से सबूत इकट्ठे करो और इतना बड़ी धन राशि जो है वो ले जाओ। तीसरी कंट्रोवर्सी है, केरला के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस ने इस मूवी को रिजेक्ट कर दिया है। केरला के चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन ने कहा है कि ये मूवी हेट प्रोपेगेंडा को प्रमोट करती है। उन्होंने कहा है कि केरला स्टोरी को कम्युनल पोलराइजेशन को प्रमोट करने के लिए बनाया गया है, जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक मोटो है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक यानी कि आरएसएस यानी कि बीजेपी की गाइडिंग फोर्स। चौथी कंट्रोवर्सी में है शशि थरूर। जी हाँ, कॉन्ट्रोवर्सी और शशि थरूर ना है, वो तिरुवनंतपुरम से एमपी भी है। उन्होंने ट्वीट कर दिया है कि इट मे बी योर केरला स्टोरी नॉट आर केरला स्टोरी। थरूर के मुताबिक ये फिल्म केरला स्टोरी को मिस रिप्रेजेंट करती है। अब बस लोगों ने उनका एक पुराना ट्वीट निकाल दिया है जिसमें वो खुद ये एडमिट कर रहे हैं कि केरला मदर्स ने उनको अप्रोच किया है, जिनकी डॉटर्स जो हैं वो बाहर सीरिया में फंस गई हैं क्योंकि उनके हस्बैंड उनको मिसगाइड करके वहां पर ले गए। और इस सिलसिले में उन्होंने तब की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सुषमा स्वराज के साथ उनकी मीटिंग भी करवाई है। फिलहाल थरूर जी ने अपने पुराने ट्वीट पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है। फिफ्थ कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है ट्विटर वॉर्स की। लोग एक दूसरे को झूठा साबित करने में लग रहे हैं। अगर आप ट्विटर पे नहीं है तो आप फटाफट से जाओ और इनके जो है इस बहस का पूरे जो है आप चटकारे ले सकते हो। और बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें भी आपको ट्विटर पे देखने को मिलेंगी। एक ऑटो वाले ने तो एक पोस्टर चिपका दिया है कि जो पहली 10 महिलाएं हैं जो कि थिएटर्स जाएंगी देखने के लिए द केरला स्टोरी को, वो उनको फ्री राइड देगा। देखिए, इन सब कॉन्ट्रोवर्सीज के बीच में एक बात तो साफ है कि पब्लिक का इंटरेस्ट बहुत बढ़ गया है केरला स्टोरी में। इनफैक्ट IMDb की जो पॉपुलर फिल्म्स की जो लिस्ट है उसमें भी ये मूवी काफी ऊपर आ गई है। आपको क्या लगता है द केरला स्टोरी द कश्मीर फाइल्स की तरह कोई बड़ा बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड सेट कर पाएगी? क्या इस फिल्म में कोई भी सच्चाई है? आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। आई एम गोइंग टू टॉक टू यू ओवर देयर। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें इसको और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।